Hello students, welcome to the class today. We are moving towards the end of this chapter, Nationalism in Europe. Got it? The points that we have discussed in the last video, I just wanted to give you a brief recap of that because direct questions are seldom asked, very less it happens that the direct questions are put up. Majorly what happens is indirect questions are put up. So to understand these direct questions, to understand the process, how to answer the direct questions, पहले तो अब बहुत आसान है डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, लेकिन अब जैसे विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन, द क्वेश्चन कुड कम इनडायरेक्ट. आई एम टॉकिंग ऑफ द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. मतलब एक कुछ होता है ना कि आपको क्वेश्चंस देख के आंसर समझ में आ जाएगा. सम क्वेश्चंस यू हैव टू रियली थिंक फॉर. ओके, now when I am writing this question, now what happens ki Germans have made an allegory for the nation. Allegory means jab aap नॉन लिविंग थिंग को बिल्कुल लिविंग थिंग की तरह आप देखते हो, विच इज अ मार्क ऑफ योर नेशन, विच इज सिग्निफाइंग एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इन टू अ कॉन्क्रीट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, तो आप हाउ डिड द पीपल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम जर्मन. यहां पे सपोज इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर फाइव मार्क्स नहीं, सपोज 3 मार्क्स भी आया, देन वॉट यू नीड टू डू इज, अब इसमें आप क्या लिखेंगे, वॉट आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू मेंशन हियर. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेंशन इज कि फीमेल फिगर वॉज गिविंग इंस्पिरेशन. People feel attached to motherland. Got it? Germania was represented as mark of heroism. क्या है कि I told you ना कि bravery दिखाना है, sacrifice दिखाना है, love दिखाना है, तो यू ऑलवेज लुक फॉर अ फीमेल फिगर. आप वहां पे ब्रेवरी के लिए आप मेल फिगर दिखा सकते हो, लेकिन नेशन को जहां भी रिप्रेजेंट करना है तो नेशन इन एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल प्लेसेस इज रिप्रेजेंटिंग द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स द कंट्री. हाँ, आप हमेशा, इट हैपेंस ना दैट यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट पीपल फील मोर क्लोजर टू द टू मदर. वेन यू आर इन पेन और वेन यू आर इन टू सम ट्रबल, यू जनरली से ओ माँ, आहा मम्मी, आपके मुंह से मदर का ही नाम निकलेगा. सो वेन यू थिंक अबाउट फीमेल फिगर, वेन यू थिंक अबाउट कंट्री, यू थिंक अबाउट सेक्रीफाइस, सो दीज फीमेल फिगर्स आर देयर विच आर इंस्पायरिंग द पीपल. लोगों को बहुत सारे उससे इंस्पिरेशन मिल रही है. एंड जर्मनिया का आपको बताना है कि शी बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन.
ठीक है, इसमें एक ऑब्लिक करके एक और क्वेश्चन लिखो दैट इन्वर्टेड कॉमास में जर्मानिया बिकेम, क्योंकि आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा यू नेवर नो दैट। द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन, तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। अब इसमें आप ये कहोगे कि मैम अब इसमें और क्या लिख सकते हैं, यू नो व्हेन यू सी द बुक, तो बुक में से ही आई गिविंग यू दिस स्टेटमेंट, जर्मनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो आप जब जर्मनिया के बारे में बात कर रहे हो तो आप देखो कि बुक में और क्या दिया हुआ है। तो इसमें यू विल फाइंड द पेंटिंग बाय फिलिप बेट व्हिच वाज मेड इन 1848। यू नीड टू मेंशन अबाउट पेंटिंग ऑफ फिलिप बेट 1848 में, ये बड़ा सा बहुत बड़ा सा ऑन द कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर ये पेंटिंग इन्होंने बनाई थी एंड इट वाज देयर इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फिलिप वेट इन 1848। फिर आप बताओ कि क्यों बनाया गया था। कॉटन बैनर था ये, विच वॉज हैंडमेड, इट इज सो ह्यूज एंड सो बिग, हैंडमेड। कहाँ पे था? इट वॉज इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वीन्ड, जहां पार्लियामेंट वॉज होस्टेड वहां पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन गिव अबाउट द फॉल इन जर्मानिया विच वॉज मेड बाई जूलियस हॉफनर। फॉल इन जर्मानिया, ठीक है, ये बनाया था 1850 में जूलियस हॉफनर ने, ठीक है, मेड बाय जूलियस हबनर इन 1850। अब ये जो हबनर ने बनाया, दिस पेंटिंग दैट वॉज मेड बाय हबनर इन 1848, हाउ डिड द पीपल ड्रॉ इंस्पिरेशन? क्योंकि फॉल इन जर्मेनिया, आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। लास्ट में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ एनीबडी सीज एनी इंडियन इज देयर, भारत माता को बेड़ियों में जकड़े हुए जब देखा तो लोगों का खून खौल गया, ठीक है, द ब्लड वॉज बॉइलिंग। ऐसा कैसे? तभी तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतनी आवाज उठाई, इतने बड़े बड़े जंग लड़ गए, इनको तो निकाल के भेजना है। देन एक और पेंटिंग थी, आर्टिस्ट लॉरेंस क्लैजन ने बनाई थी, ठीक है, जर्मानिया गाइडिंग राइनलैंड। ये पेंटिंग किसने बनाई थी? लॉरेंस क्लैजन ने, ठीक है। पेंटिंग्स आपकी बुक पे, खाली बुक को सजाने के लिए थोड़ी दी गई है, आपको इसको कहीं ना कहीं तो मेंशन करना है। यू नीड टू गिव एग्जांपल्स। आपको मैं इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने कहा है ना, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, नो आंसर इज कंप्लीट विदाउट एन एग्जाम्पल इन द सेम वे। अब आप कहोगे मैम हिस्ट्री में क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, वो तो हो गया है। दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू नीड टू मेंशन इन योर आंसर्स टू मेक योर आंसर्स लुक ब्यूटिफुल। इतना सारा हमने जर्मेनिया के बारे में बात किया, व्हाट अबाउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम? ये बनाया था कि जर्मन स्वॉर्ड रीड्स द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा रिवर है, इन द सेम वे राइन रिवर इज देयर फॉर जर्मन्स।
तो उस नदी को कोई क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आई एम जस्ट गिविंग, मतलब हाउ पीपल ड्रॉ इंस्पिरेशन, हाउ डू द पीपल एक्ट एंड हाउ द पीपल सर्वाइव, ये सारी चीजें, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो द जर्मन स्वॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग द जर्मन राइन एंड जर्मानिया इज स्टैंडिंग विद दैट। वहां कोई मेल फिगर नहीं बनाया। द लेडी, द कंट्री, द नेशन, द एलेग्री इज प्रोटेक्टिंग जर्मनी। दैट इज वॉट इज मार्क्ड हियर। हाँ, इतना तो आप बता दोगे अबाउट जर्मनी के बारे में। नाउ प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट, आपको जो चीज बतानी है दैट इज अबाउट मैरियानी। वट इज मैरियानी डूइंग हियर? हम जब जर्मनी का एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि विजुअलाइजिंग अ नेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यू हैव टू गिव द इंस्पिरेशन दैट पीपल हैव ड्रॉन फ्रॉम मैरियानी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फीमेल एलेगरी वॉज देयर, शी वॉज आई मीन बिकॉज आई एम सॉरी आई रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग। मैरियानी के बारे में आप क्या दोगे? लिबर्टी, जस्टिस, फीमेल एलेग्री को बनाया इन्होंने टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। हाउ, जस्टिस में जनरली क्या होता है, ब्लाइंड फोल्डेड आप दिखा देते हो वुमेन को। इट इज नॉट दैट। मैरियाना वॉज रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, फीमेल फिगर, एंड इट हैड बिकम एन एलेग्री वेयर पीपल ऑल ओवर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तरफ से दे वेर ड्रॉइंग इंस्पिरेशन, बहुत इंस्पायर हो रहे थे और उसी हिसाब से दे वेर एक्टिंग, दे वेर कंटिन्यूअसली डूइंग देयर वर्क। आप जब मैरियाना के बारे में बात करते हो, यू हैव टू मेंशन अबाउट क्या है यहां पे ना, फ्रेंच सिंबल्स के बारे में बताना पड़ेगा आपको। बहुत ज्यादा मैरियाना के बारे में नहीं दिया हुआ है। फ्रेंच सिंबल्स, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड। कैसे, क्या क्या चीजें थी जो सिग्निफाई कर रही थी लिबर्टी को, जस्टिस को, इक्वालिटी को? You need to mention about it. यही सब चीजें जब आप बताएंगे तभी आपको answers में numbers मिलेंगे. Got it? तो this was about visualizing the nation. Now we come to the last topic, nationalism and imperialism. ये जो एक topic है ना, इसमें this is related to your current affairs, this is related to your recent situations that existed in the world. How did nationalism give rise to imperialism? Please understand. Nationalism and imperialism. Now when you are talking about nationalism and imperialism, पहले तो nationalism समझो। You have love and respect towards your country. You have a sense of belongingness towards your country. Nationalism. What is imperialism? Imperialism is the because आपको liberal democrat, आपकी जो sentiments है for your country, with those sentiments, with the process of progressing further, kya hota hai that these countries are also go and draw extend their boundaries and they extend their power in the other countries as well, which is included in imperialism. Nationalism to kya tha? Idealistic liberal democratic sentiment ho gaya tha first half of century mein. The people who were thinking, the people who were talking, they were talking about the liberal democratic sentiments. Ki liberalism hona chahiye.
लेकिन अभी क्या हो गया कि इट बिकेम अ वेरी लिमिटेड थिंग, काफी छोटे में आ गया. लिमिटेड एंड्स वेयर देयर, नैरो क्रीड्स वेयर देयर. 19th सेंचुरी के लास्ट में ये सारा था. नेशनलिज्म खाली जो है अब लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट नहीं रह गया था. नाउ इट वॉज एक्सटेंडिंग इट्स बाउंड्रीज. ऑल दिस नेशनलिस्ट ग्रुप्स विच वर फॉर्म्ड, ये जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, दे बिकेम इन, कहां से ये शुरू हुआ, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. बिकॉज द नेशनलिस्ट ग्रुप्स वेयर बिकमिंग इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर. जो अपनी कंट्री के लिए सपोर्टिव है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स गेव राइज टू इंटॉलरेंस एंड रेडी फॉर वॉर. हर एक लोग दूसरे से झगड़ा करने के लिए तैयार थे. गॉट इट? दीज ऑल कंट्रीज विच वर देयर वेरी इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ अ वॉर. किसी का भी पावर किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था. मेजर यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्टिक एम्स. क्योंकि अब आई एम एन इंडियन, आई एम डेडिकेटेड टू माई कंट्री, आई हैव गॉट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द कंट्री. तो ये जो कंट्री की तरफ हमारी बिलोंगिंगनेस है, कंट्री की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, दिस थिंग इज यूज्ड बाय द पावरफुल पीपल. वो कहेंगे अरे अपने कंट्री के लिए जान दे सकते हो, फ्रांस में हम कैप्चर करना चाहते हैं, चलो वॉर है, वॉर में जाओगे कल से? यस ऑफकोर्स. वो कहेंगे ना कि अपनी कंट्री के लिए जान देना है, हम अपनी कंट्री के लिए जान देने के लिए तैयार हैं. सो दिस इज व्हाट इज द स्टेटमेंट मेंशन्ड देयर, कि यूरोपियन पावर्स, प्लीज अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट समझो, कि इन दिस टर्न व्हाट डिड दे डू, दे मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट. मैनिपुलेट मतलब लोगों को फैलाना, फुसलाना, अलग तरीके से चीजों को रखना उनके सामने, कि आपको एंगर आएगा, अच्छा उन लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ, चलो हम भी उनको बताते हैं. मैनिपुलेशन. गॉट इट? एंड यूरोपियन पावर्स दे मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस. मतलब द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दैट द पीपल हैव टुवर्ड्स द कंट्री, एस्पिरेशंस ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब देखो राजा तो थे नहीं, राजा की प्रजा होती है, पीपल्स इन यूरोप. एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट और पीपल्स इन यूरोप. लोगों को बहुत इन्होंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की. यूरोपियन पीपल वेयर ड्रॉइंग लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यूर एंड दे वॉन्टेड टू फुलफिल देयर इंपीरियलिस्टिक एम्स. अब ये इंपीरियलिस्टिक एम्स क्या थे? वॉट वेर द इंपीरियलिस्टिक एम्स? दे वॉन्टेड टू फुलफिल imperialistic aims. Imperialistic. When a powerful country is trying to capture a less powerful country or dominate a less powerful country on the economic basis, political basis also, economic and political basis. तो सबसे ज्यादा कहां पे हुआ? नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड इन यूरोप आफ्टर 1871. इट वाज बाल्कन एरिया. ठीक है, नेशनलिस्ट टेंशन
in Balkan region. After 1871 in Balkan region. अब ये Balkan region में कौन कौन है? Which are the countries in the Balkan region? ये तो आपको काफी सारे बच्चों ने याद कर लिया. Yes. Recently the questions were put up in the examination and some of the students have written all name of all the countries. तो कौन कौन सी countries थे? Balkan geographical and ethnic variation was there. ठीक है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स वेर देयर, ज्योग्राफिकली दे वेर सेपरेट, लेकिन एथनिक एंड एथनिक वेरिएशंस वेर देयर. कपड़ा, खाना, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ अलग था. ओके, एंड इसमें कौन कौन से थे? प्लीज अंडरस्टैंड द बाल्कन रीजन. ये तो नाम आपको याद करना ही पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. बाल्कन रीजन में कौन कौन था? Because all these countries which were there, majorly they were continuously fighting with each other. Romania, Bulgaria, लिख के याद कर लो ना, write it down and then remember. खाली पढ़ पढ़ के आसमान में देख के तो याद नहीं हो पाएगा. Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Albania. Greece, got it? Croatia, Bosnia, Herzegovina, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो एंड ग्रीस. सर्बिया, मॉन्टीनिग्रो एंड ग्रीस. एंड ग्रीस. गॉट इट. अब ये सारे कंट्रीज हैं, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, मॉन्टीनिग्रो, ग्रीस, क्रोएशिया, बोस्निया, ऑल दीज प्लेसेस दैट वेयर देयर इन इनहैबिटेंट्स. ये जो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, द इनहैबिटेंट्स आई मीन द पीपल हु वर लिविंग देयर, द इनहैबिटेंट्स, इनको क्या कहते थे? वेयर कॉल्ड एज, yes, Slavs. They were called as Slavs. Okay, please understand ki because Balkan to hai, Balkan was ye jitne bhi places hain, this was all under the Ottoman Empire. This region was under Ottoman Empire. Got it? अभी ओटोमैन एम्पायर वॉज रूलिंग ओवर दीज प्लेसेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो ये जो ओटोमैन एम्पायर था, स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म का ये जो आइडिया स्प्रेड कर रहा था ना, दैट हैड इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ दीज रीजन्स, बाल्कन रीजन. उन्होंने कहा सारे, जब एवरीबडी इज गेटिंग फ्रीडम, वी शुड ऑल्सो गेट फ्रीडम. There was disintegration of the Ottoman Empire and the region became very explosive. Sari countries ek dusre ke khilaf bahut zyada, they were very jealous of each other. They always wanted to show themselves as, hamesha ek country dusri country ke upar apna power dikhana chahte the. Okay? Ye dikhega aapko ha. Balkan region where inspired by romantic nationalism. ठीक है, वो जो nationalism की बात की थी हमने, they said कि they wanted freedom now. बहुत हो गया. Ottoman Empire initially was very powerful. लेकिन when it disintegrated, उनके यहां पे जब राजा का राज खत्म हो गया,
तो एवरीथिंग वेंट हेल्टर स्केल्टर एंड दे वेर वंस इंडिपेंडेंट एंड दे हैड बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स सो द रिबेलियस नेशनलिटीज ये जो पीपल हु वेर सीथिंग विद एंगर ऑल दीज पीपल इन द बाल्कन्स इन्होंने कहा कि वी दे वॉन्ट टू ब्रिंग बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस इतने दिन से जिन लोगों ने उनको सताया है उनको बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है उसके खिलाफ अब इनकी आवाज उठ रही है नाउ दे आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट देम एंड दे हैव देयर ऑल दी इस्लामिक नेशंस ये जितने भी नेशंस यहाँ पे हमने मेंशन किए हुए हैं दे हैड देयर ओन आइडेंटिटी एंड इट बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कंफ्लिक्ट आपस में बहुत लड़ रहे थे And Balkan states were jealous of each other. सब लोग एक दूसरे की टेरिटरी को हड़पने के चक्कर में थे They wanted to capture each other's territories. And these rivalries, ये जो इनकी आपस की rivalry था it was very evident जब Balkan problem unfolded. Balkan problem जब सबके सामने खुल के आया that these countries are fighting with each other, they are very jealous of each other, they can't see the growth of any other country. So it was the big superpowers, they took advantage of this. Which were the superpowers? So, Russia, Germany, सुपर पावर्स को क्या चाहिए उनको तो खाली मौका चाहिए एक मौका मिले एंड इनको हम जो है अपने साथ लेके कैप्चर कर लें दे ऑल्सो कॉर्पोरेट द होल टू अदर ये इन्होंने क्या किया ना दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस सो सम कंट्रीज हेल्प्ड सम कंट्रीज कुछ सुपर पावर्स ने कुछ कंट्रीज को हेल्प कर दिया बाकी ने अपने ग्रुप बना लिया इन लोगों ने एंड दे सेड कि दे वर कंट्रोलिंग ऑल दीज एरियाज रशिया जर्मनी England, Austro-Hungary, all these places, they were, or the powerful countries, they were trying to take advantage of this situation. Establish their power in a very different, in a very short, मतलब जल्दी से जल्दी. And this led because when these countries were continuously in conflict with each other, तो some countries came to help some countries, कुछ countries जो है बाकी की countries को help करने के लिए चले आए and this way what happened कि First World War occurred. First World War had happened. As a result, there was disaster in 1914 and First World War cannot be controlled. Got it? मैप दिखा दूं जहां पे आपको वेयर वी टॉक अबाउट द इंपीरियलिज्म वेयर वी टॉक अबाउट द बाल्कन स्टेट्स आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू ऑन द मैप स्टूडेंट्स जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म यस्टरडे आई हैड शोन यू दिस पिक्चर ऑफ जर्मनिया गाइडिंग द राइन लैंड इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ बार बार मैं इसको इसलिए रिटरेट कर रही हूँ कि एक तो ये है आई वांटेड यू ऑल टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड विथ दिस सिंबल्स ये सिंबल्स का मीनिंग एक बार ही ज़रूर देख लेना एंड देन दीज पोस्टर्स दैट आर देयर जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपरली Abhi, what I wanted to show you is this. You are seeing the world map here. And ye dekh lo yahan pe. This is the region. This is where is the Ottoman Empire. Ottoman Empire ke wajah se all the countries, the jitna bhi humne kaha Bosnia, Herzegovina, Serbia, ये सारे इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं इसमें एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बताना चाह रही थी आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू हिस्ट्री ये है कि द ओल्ड स्टोरी टेल्स दैट फॉर इनिशियली ये जितने भी प्लेसेस हैं दिस वॉज ऑल ऑक्यूपाइड बाय द क्रिश्चियंस मतलब यूरोपियंस तो यूरोप में तो सारे लोग दे आर मेजरली फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी
एंड दे हैड लॉट ऑफ वॉर विद द मुस्लिम्स. इस वॉर के बाद ये जगह जो हैं, जितने भी ये ईस्टर्न प्लेसेस हैं विच वेयर अ पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन एम्पायर, क्रिश्चियन यूरोपियन एम्पायर प्रीवियसली, इट वॉज ऑल कैप्चर्ड मुस्लिम्स. तो ये वॉर बहुत पुरानी थी एंड सडनली दिस हैज़ कम अप इन अ वेरी न्यू मैनर. ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑल द मेजर प्लेसेस वेयर कॉन्सनट्रेटेड. Got it? So we have completed this chapter, children. In next class, we'll be starting a new chapter. Till then, children, thank you so much and all the best to you.